और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने, दिल्ली से आ रही है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की आज बैठक होना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से इसकी शुरुआत होगी। सीएम शिवराज सिंह और वीडी शर्मा भी वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जेपी नड्डा के भाषण से इस बैठक का आगाज होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे वर्चुअली। भारतीय जनता पार्टी की आगामी कार्य योजना और कार्यक्रमों पर इस बैठक में चर्चा होगी। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और समिति के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा भी भोपाल से इस बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से इस बैठक का शुभारंभ होगा। कार्य समिति के कई पदाधिकारी, सदस्य और बीजेपी के दिग्गज नेता देशभर से इस बैठक में जुड़ेंगे। भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे वर्चुअली। और इस खबर पर सीधे चलेंगे, हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए। राजेश जी, कार्य समिति की बैठक होना है, जेपी नड्डा आगाज करेंगे इस बैठक का, क्या कुछ रणनीति होगी, क्या किन सब मुद्दों पर इसमें विचार होगा, थोड़ा सा बताएं जी। देखिए अमरनाथ जी, आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो दिल्ली में होने जा रही है, और जिस तरह से पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव है, कोरोना टीकाकरण अभियान सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर आज की इस कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद अमरनाथ जी ये पहला मौका है जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही हो। इसके साथ ही बीजेपी महासचिव अरुण सिंह जिनका ने जिस तरह से बताया है, जिस तरह से जानकारी दी है कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सहित 300 से ज्यादा नेता इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वर्चुअली इससे जुड़ेंगे, और कोरोना काल के बाद ऐसा पहली बार है जब बैठक में सभी को उपस्थित होने को कहा गया है। ये बैठक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से होगी। जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें वर्चुअली इसके साथ जुड़ेंगे, ऑनलाइन दोनों माध्यमों से इस बैठक को आयोजित किया गया है, और इसमें तकरीबन 124 नेता बैठक में भाग लेंगे, और बैठक के समापन पर पीएम नरेंद्र मोदी का इसमें भाषण होगा। तो आगामी समय में जो टास्क बीजेपी के सामने पांच राज्यों की जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, वो है कोरोना को लेकर लगातार जिस तरह से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा वो है, और अभी हाल ही में अमरनाथ जी हमने देखा कि किस तरह से चुनाव के पहले, पांच राज्यों के चुनाव के पहले डीजल पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, और जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने भी दोनों पर ये वैट इसमें घटाया है, और यही कारण है कि बहुत कुछ राहत इसमें जनता को देने की कोशिश की गई है। ऐसे में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है तो एक बड़ा मुद्दा जो लगातार विपक्ष इसको उठाता रहा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे पहलुओं पर भी आज की इस बैठक में चर्चा होगी कि कैसे जनता को और राहत दी जा सकती है। अभी डीजल पेट्रोल के बाद ये भी चर्चा में है कि शायद जो गैस सिलेंडर्स के रेट्स हैं और उसमें भी उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है, तो मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, क्योंकि ऐसे समय में हो रही है कि जब आगामी समय में पांच राज्यों में चुनाव है, तो हो सकता है कि जनता को जो लगातार खासतौर पर खाद्य वस्तुओं के रेट से बढ़े, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े, तो उसमें राहत दी गई है, घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसके भी रेट बढ़े हैं, उसमें भी क्या राहत मिल सकती है, तो काफी अहम बैठक कही जा सकती है ये जी। जी, तो निश्चित तौर पर इस बैठक में जो निष्कर्ष निकलेगा, जो फैसले लिए जाएंगे, वो निश्चित तौर पर हो सकता है कि देश की जनता को
सौगात देने वाले हों। बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में और तमाम पदाधिकारी इस बैठक में जुड़ेंगे। राष्ट्र हित में कई फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे। मुख्यमंत्री